आपका स्वागत है। मैं आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव, आइए खबरें विस्तार। और केके न्यूज 24 को सब्सक्राइब करना ना भूले और बगल की घंटी को दबाए। मिश्रौली डोल मेला को संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कसी कमर। कुशीनगर पडरौना कोतवाली के थाना क्षेत्र अति संवेदनशील माने जाने वाले मिश्रौली डोल मेला का सफल संपन्न कराने के लिए सीईओ नितेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान डोल समितियों के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई। इसके पश्चात सीईओ सदर ने कहा कि त्योहार प्रेम का संदेश देता है, इसे दूसरे समुदाय के लोगों को सहयोग देकर हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। उन्होंने हिदायत दिया कि अगर त्योहार में किसी ने खलल डालने की हिमाकत की तो प्रशासन सख्ती से निपटेगा। इस दौरान कोतवाल मिथिलेश राय ने कहा कि त्योहार को सभी लोगों को मिलजुल कर आपसी सौहार्द पैदा कर मनाना चाहिए, जिससे आपसी भाईचारा कायम रहे और अमन शांति बनी रहे। श्री राय ने आगे कहा कि अगले 24 अगस्त को पड़ने वाले मिश्रौली डोल मेला को आप लोगों के सहयोग से सकुशल संपन्न कराने की अपेक्षा है। इस दौरान मिश्रौली चौकी प्रभारी रमेश पुरी ने भी अपना सुझाव दिया। वहीं सीओ सदर और कोतवाल में फोर्स साथ मेला स्थल और विश्राम पट्टी पहुँच जहाँ से डोल निकलता है उसका इस स्थलीय निरीक्षण भी किया। इस मौके पर सोहराना पटेरा बरकंटी पकड़ी अब्दुल चौक बहादुरगंज आधार छपरा एवं बसंतपुर आदि जगहों के आयोजकों ने समस्याओं से अवगत कराया। प्रशासन ने सभी समस्याओं का डोल मेला से पहले निराकरण करा लेने का भरोसा दिलाया। कार्यक्रम का संचालन पंडित महेंद्र दीक्षित ने किया। इस मौके पर जेई विद्युत विभाग संदीप मिश्रा द पडरौना भी मौजूद रहे। भाजपा नेता राधेश्याम दीक्षित, पिंटू मिश्रा, राजन तिवारी, मनोज दीक्षित, धर्मेंद्र जायसवाल, दूननाथ वर्मा, राजकुमार वर्मा, जब्बार कपिल देव, बाके पांडे, दिनेश सोनिया के अलावा पुलिस चौकी कांस्टेबलों में राम सिंह यादव, विमल यादव, प्रीतम यादव, मनीष अरविंद निषाद आदि भी मौजूद रहे। केके न्यूज 24 कुशीनगर से सुनील तिवारी की रिपोर्ट। मिश्रौली बाजार में हम खड़े हैं। ये जो है पडरौना कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता है। यहाँ जो है मेले के डोल मेले की दृष्टि से अति संवेदनशील माना जाता है। यहाँ हमेशा प्रशासनिक अमला के लिए यह डोल मेला जो है सकुशल संपन्न कराना उसके लिए चुनौतीपूर्ण होता है। इसके क्रम में आज जो है सीईओ नितेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक हुई है और बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि जो भी दो समितियां हैं जिनकी जो भी समस्याएं हैं समस्याओं से अवगत करा दें, जो कि डोल से पहले इस समस्याओं का निराकरण कर लिया जाए। यह डोल सन 2004 में सुर्खियों में आया था, जिस समय 1.5 दर्जन गाँव में कर्फ्यू लगा दिया गया था और निवर्तमान डीजीपी रहे बुआ सिंह पहुंचकर मौके पर हालात को काबू पाया था। शंभु मिश्रा के साथ सुनील कुमार तिवारी। कहा था इसी पीस कमेटी में मीटिंग में आदरणीय बनवाजी बहुत परिश्रम किए। आज हमारे थाने में चौकी बनाई है कस्या में है, बहुत परिश्रम किए और मुझे यादगार है वह चीज और उसको अगर समझौता आज के भी सुकून से अगर थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर दिया जाए तो सुधार हो जाएगा। चाहे वह मुहर्रम का पर्व हो, डोल का हो, दशहरा का हो या किसी भी प्रकार का पर्व जो मेला लगता है रोड पर, तो जाम इस प्रकार से हो जाती है कि मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस निकलना मुश्किल होता है। मैं पिछले साल प्रस्ताव दिया था कि बड़ी नगर का जो पुल है वही पुलिस प्रशासन के लोग अपने ट्रैफिक पुलिस को लगा देते हैं, तो उस साइड में नहीं लगाकर इस साइड में लगाया जाए और नहर की जो पटरी है उसको पकड़वाकर के आगे जो नहर की पटरी आकर के यहाँ मिश्रौली में ही जो माइनर जो आती है वहीं हमारी सभी गाड़ियां निकल जाएंगी आराम से, किसी प्रकार की किसी को दिक्कत या तकलीफ नहीं होगी। क्या सही है गलत नहीं है? पिछले साल हुआ था साफ सफाई हमने नहीं करवाया था, अगर संभव हो तो सिंचाई विभाग का यह काम है, सिंचाई विभाग को टेलीफोन करने का रिवर्स क्या कहते हैं
जेसीबी चलना चाहिए तो सही हो जाएगा, क्योंकि बरसाती समय में रास्ता रास्ता नहर की पटरी है सर, एक दिन के लिए हो जाता है, पिछले साल हुआ था सर, और होता रहेगा तो समस्या आगे के लिए मुहर्रम के लिए हर त्यौहार के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। पहला दूसरा चीज, यहाँ सर आप बैठे हैं, यहाँ ये जो पुलिया पीएनएस बनवा रही है, यहाँ जितनी भी गाड़ियां टालियां आएंगी या पुलिस विभाग की जितनी गाड़ियां आएंगी, तो आगे निश्चित रूप से वहां टकराने का रास्ता है। तो अगर संभव हो एनएच वालों से बात करके दो पहले यहाँ गिट्टी अगर मिला दिया दोनों साइड में मिला दिया, तो यहाँ भी दुर्घटना से बच सकते हैं, बहुत बड़ी यहाँ खतरा दुर्घटना होने वाली है। यहाँ जहाँ बैठे हैं सामने सर, यही है जो पुलिया है, देख रहे हैं उस साइड में पूरी गड्ढा दोनों साइड में, दोनों साइड में, तो इसको साइड करवा दिया तो अच्छा रहेगा। पेड़ पौधा फिर आप देखें जो तीन महीने से कट के जो सड़क पर पड़े हुए हैं, यहाँ के व्यापारी परेशान है, लोग यहाँ के क्षेत्र की जनता मार्केट में आती है, मोटरसाइकिल खड़ा करने के लिए जगह नहीं है, सब परेशान है, उसको भी हटा कर कहीं कहीं किनारे करवाया जाए।